कैसे हैं आप सब? दुआ करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं लिटिल खान स्वागत करता हूँ आपका लिटिल खान के ब्लॉग में एक सुहानी सुबह में ताजगी भरे दिन के साथ। तो और भाइयों क्या हाल चाल था? बढ़िया। और चूंकि अभी मस्त सुहानी सुबह हो रही है भाई, आज ही ईद का दिन, और लोग देखो अपना भाई क्या लग रहा है। अपन फुल टू एकदम रेडी हो चुके हैं, टोपी लगा ली है, कुर्ते पजामे और कोटी पहन लिए भाई, मस्त तगड़ी फीलिंग आ रही क्योंकि दिन ही आज ऐसा है, फीलिंग ही आज ऐसी है। पूरे रमज़ान के बाद जो ईद आती है ना, उसको फील करने का मज़ा ही अलग होता है। तो चलते हैं फटाफट से, ईद की नमाज़ का टाइम हो रहा है, नमाज़ पढ़ के आते हैं, सबसे गले मिलते हैं और भाई सबको खुशियाँ बांटते हैं, फील करते हैं अपन भी। तो देर ना करते हुए करते हैं दिन की शुरुआत तन मन धन के साथ, गुड फीलिंग के साथ। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बने रहो लेकिन खाने के ब्लॉग में, क्योंकि एक ही तो लाइफ है, एंजॉय करो यार। तो चलिए चलते हैं दिन की शुरुआत करते हैं सुहाने मौसम में, मस्त मौसम में काम करते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं। भाई आज सुबह सुबह चाय की जगह शीर खुरमे, भाई दिल खुश कर दिया मम्मी ने, बोला आज ईद है तो सुबह से मुंह मीठा कर लो, कुछ अच्छा खा लो। तो शीर खुरमा हाजिर है अपने लिए। मस्जिद में एंट्री होते हुए भाई वॉइस ओवर कर रहा हूँ, नहीं है तो सभी लोगों को आप देख सकते हैं भाई, फुल टू रेडी होके सभी आ चुके हैं भाई, भैया लोग, डैडी लोग, चाचा लोग, बड़े पापा, अनास का लू, अच्छा सभी लोग आ चुके हैं भाई। तगड़ी वाली फीलिंग आ रही है अंदर जाके भाई, वाई भी अलग है ईद की, आज तो माँ का सब मज़ा ही आ जाएगा। सभी लोग को आप देख रहे हैं, ये सब तैयार हो रहे, रेडी हो रहे भाई, साफे वगैरह बांधे जा रहे हैं। हाय हाय हाय, मैं बता रहा हूँ कि भाई दिल खुश होने वाला है आज। बकरीद ना कह रहे धीरे, अच्छा लगे पढ़ लिए भैया ईद की नमाज, मजा आ गया। पब्लिक देख रहे हो, पीछे भी है आगे भी है, कुछ चली गई पब्लिक, हम लोग थोड़ा मस्जिद में रुक गए थे यार। चल भैया कल गले मिल ली, अब कहाँ चल रहे ना, घूमने की घर घूमने नहीं, यहीं कहीं आस पास घर तो पहुँचे पहले। आज रोजा जैसे खत्म भाई ना, वैसे प्यास लग रही बहुत तेज यार, मैं तो भूल गए थे कि गाड़ी में आए थे। साहिल भाई की तगड़ी वाली ईद मनाई गई है बिना रोजों वाले। तगड़ी वाली इसकी मनाई गई है ईद,
हमें तो पता तो मम्मी बता दे रही पूछे तो ना सुबह जैसे ही पानी भरा था इनके बोर से फोन लगा बोले छुटा की मम्मी तगड़ी वाली ईद इनकी मनाई गई है हम लोग तो रोजे रह के मनाए इनको डायरेक्ट ईद में लगाई ईद मुबारक ईद मुबारक कहा भाई तर ठीक है ये हम कह रहे हैं जबलपुर चल हाथी बात नहीं जबलपुर चल कहे थ्री लेफ्ट है अबे तो गाड़ी में बैठ के चलना गाड़ी में बैठ के हम अकेले बैठ के चलेंगे मैं बता रहा हूँ मनी सलमान भाई इतना ही भेज टाकी ऐसा पता कहती कहानी है उसको ऑनलाइन बुक अभी देख ले ये तो बता चले पांच जन चार तो अभी प्लान बन रहा है ईद के दिन वीडियो बनाने का तीन चार दिन पहले प्लान बना था लेकिन वीडियो नहीं बन पाई कभी लड़के नहीं थे कभी हम खुद नहीं थे कभी खुद हमारी हिम्मत नहीं थी वगैरह 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 लेकिन आज प्लान बना है जैसे तैसे करके तो हम लोग वीडियो बनाने का सोच रहे हैं अभी बज रहे कितने भाई 2:30 करीब हो रहा है तो अनस भाई ये ले आए देखो डब्बे में ये कपड़े हैं अनस भाई के ये दिखाना है वीडियो में देखा कपड़ा देखा थोड़ी अरे वाह भाई 1.5 लाख के कपड़ा दिखाई नहीं रहा इनविजिबल वाले हैं हाथ से पन्नी लिया ना कछु नहीं है खाली अपन के दिखाने बस तो थोड़ी कॉन्सेप्ट अच्छा तरीके का ईद का है मस्त था बना लेते हैं फिर आपके सामने प्रस्तुत कर अभी हम लोगों का प्लान बना है सुबह 6:30 मूवी देखने का तो सबकी जगह तो कन्फर्म हो गया अरविंद भाई की यहाँ चल रहा है कन्फर्म करना इनकी मम्मी से पूछने कि कल इसको हम लेके जाएंगे अब इनके घर वालों का क्या जवाब होता है इनकी मम्मी का क्या रिएक्शन होता है सहमति देती है कि नहीं इनकी मम्मी जो कहती है ऐसी रास्ते से जाना पड़ रहा है इनकी मम्मी जो कहती है देखा जाएगा मिलते हैं कल नए तरोताजा ब्लॉग के साथ नहीं जाते यहीं पे सब खत्म करे आए भाई अरविंद के यहाँ से कन्फर्म मम्मी ने उन्हें जैसे तैसे करके भाई रजामंदी दे दी है पर अभी लफड़ा एक है कि भैया लोग गाड़ी लेके गए हुए हैं और उन लोग पता नहीं कितने टाइम तक आते हैं फिर क्योंकि फिर चाबी भी अपने पास रखनी पड़ेगी क्योंकि भैया आज बिना बताए चले गए थे तो मैंने सोचा कि कल मैं जाऊंगा सुबह भाई क्योंकि हम लोगों का भी प्लान था आज जाने का पर जाने को नहीं मिल पाया हम लोग हर साल ईद पर जाते हैं मूवी देखने के लिए इस साल काम की वजह से नहीं जा पाए पर कोई ना कल चलेंगे बढ़िया फिल्म देखेंगे और आपको एंजॉय कराएंगे और आज का भी दिन आपने एंजॉय किया होगा ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं पाया क्योंकि काम में लगा हुआ था और खाना आना खिलाने में वो सब तो भाई टाइम नहीं मिल पाया कुछ बताने का दिखाने का एंजॉय कराने का कल अपन को चांद भी नहीं देखा था भाई आज चांद निकला है वो दिख रहा होगा आपको ये यहाँ पे नहीं दिख रहा क्लियर नहीं आ रहा आईफोन का कैमरा उतना जूम नहीं होता ना तो अभी क्या है पानी भरने के लिए आया हूँ तो पानी भरता हूँ चल के खाना खाऊंगा क्योंकि जोरों की भूख लगी हुई है तो चलते हैं ये ब्लॉग करते हैं पे ख़त्म मिलते हैं आपसे कल नए फ्रेश तरोताज़ा वाले ब्लॉग में तब तक के लिए गुड नाइट शब आखिर शुभ रात्रि बने रहिए ऐसे ही लिटिल खानल के ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए और बेहतर कॉन्टेंट आ सके और आपका मनोरंजन हो सके तो मिलते हैं कल तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय बाय।